नमस्कार मित्रों, ESPRIT वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शुक्र को सबसे चमकीला और सुंदर ग्रह कहा गया है। जीवन में सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं का कारक और भौतिक सुखों के प्रदाता शुक्र ग्रह 1 अगस्त को अपनी स्वराशि वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे 31 अगस्त तक पूरे एक महीने रहेंगे। मिथुन राशि में शुक्र के शेषी ग्रह राहु अपनी उच्च अवस्था में पहले से ही गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही शुक्र पर धनु राशि में गोचर कर रहे गुरु की भी सीधी दृष्टि होगी। गुरु और शुक्र समसप्तक योग का निर्माण करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ दोनों तरह के खास प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के मिथुन राशि में गोचर से आपकी लग्न राशि पर कैसा प्रभाव होने वाला है। मेष लग्न। शुक्र आपके दूसरे भाव के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और आपकी लग्न से तीसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे। यह भाव साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों का होता है। यदि आप क्रिएटिव वर्क जैसे कि अभिनय, संगीत, फैशन, टीवी जर्नलिज्म आदि में रुचि रखते हैं, तो इस दौरान आपको अपनी कला को प्रदर्शित करने का पूरा मौका मिलेगा। इस समय आपको मनपसंद जगहों पर घूमने का भी मौका मिलेगा। आपके लव लाइफ में भी सुधार आने की पूरी संभावना है। आप अपने पार्टनर के साथ यादगार रोमांटिक पल बिता पाएंगे। यदि नवविवाहित हैं तो आपके जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक होने की पूरी संभावना है। वृषभ लग्न। शुक्र आपकी लग्न राशि के स्वामी हैं और आपकी लग्न से दूसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे। यह भाव आपके परिवार और धन का होता है। इस भाव में शुक्र देव की स्थिति से पारिवारिक जीवन में सुधार आएंगे। इस समय आपका आत्मबल बढ़ जाएगा और आप अपने विचारों को मूर्त रूप देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी वाणी में भी मिठास बनी रहेगी, जिससे आपके आसपास के लोग आकर्षित होंगे। इस समय आप खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए अपने फैशन पर खर्चा कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अनुकूलता लिए हुए है। मिथुन लग्न। आपके लिए शुक्र 12वें भाव के साथ ही 5वें भाव के स्वामी भी हैं। शुक्र ग्रह का गोचर आपके लग्न भाव यानी प्रथम भाव में हो रहा है। लग्न में शुक्र ग्रह के होने से आप खुद में सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश करेंगे। खुद को जवान और आकर्षक दिखाने के लिए आप योगा, जिम, फैशन आदि का सहारा ले सकते हैं। इस लग्न के जो जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध या रिलेशनशिप की बात करें तो इस अवधि में आप में रोमांस की अधिकता देखी जाएगी। आपका पार्टनर आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगा। इस समय आप कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहेंगे। कर्क लग्न। आपके लिए शुक्र एकादश भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न से शुक्र द्वादश भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। यह गोचर उन जातकों के लिए तो अच्छा रहेगा जो विदेशों से जुड़ा व्यापार या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन बाकी लोगों को इस गोचर के दौरान परेशानियां आ सकती हैं। इस अवधि में आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। आपके माता का स्वास्थ्य इस दौरान खराब हो सकता है, जिसके कारण आपकी मानसिक चिंता बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। हेल्थ को लेकर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। आंखों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सिंह लग्न। शुक्र आपके लिए दसम भाव के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी है और आपके एकादश भाव में ट्रांजिट करेंगे। एकादश भाव को लाभ भाव कहा जाता है।
इस भाव में शुक्र की स्थिति का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। यदि आप लंबे समय से किसी काम को कर रहे थे और अब तक आपको कोई सफलता नहीं मिली थी, तो अब उसके मिलने की पूरी संभावना है। इस अवधि में आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया से आपको फायदा होने की उम्मीद है। इस समय किसी महिला से सहयोग मिलेगा। लव लाइफ की बात करें तो आप काफी एनर्जेटिक और रोमांटिक अनुभव करेंगे। कन्या लग्न। शुक्रदेव आपके लिए दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव में ट्रांजिट करेंगे। इस भाव में शुक्र के गोचर से आपके लिए भाग्यशाली समय रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आप जिस भी काम को शुरू करेंगे उसे पूरा करके ही रहेंगे। आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। आप यदि कोई नया सामान खरीदना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। घर और ऑफिस के अच्छे माहौल के कारण आपको मानसिक शांति अनुभव होगा। इस लग्न के जो जातक फिल्म, टीवी, फैशन जगत से जुड़े हैं, वे भी इस दौरान सफलता अर्जित करेंगे। आप जिस भी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं उसके सफल होने की पूरी पूरी संभावना है। तुला लग्न। आपकी लग्न राशि के स्वामी शुक्र अपने इस गोचर काल में आपके नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है। इस भाव में शुक्र के गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता को मजबूती मिलेगी। जो लोग शोध कार्य से जुड़े हैं उनके लिए यह समय काफी अनुकूल साबित होगा। आप अपने व्यवहार और अच्छी वाणी से परिवार के माहौल में भी सकारात्मकता ला सकते हैं। अगर बात करें प्रेम जीवन की तो यह समय रोमांस से भरा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। हालांकि हेल्थ को लेकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। वृश्चिक लग्न। शुक्र आपके सप्तम भाव और बारहवें भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको इस दौरान बहुत संभल कर रहना होगा। पारिवारिक जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। जीवन साथी की खराब तबीयत आपकी परेशानी का सबब बन सकती है। वहीं आपको भी अपने हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। आंखों और गुप्तांगों से जुड़ी परेशानी होने की संभावना है। प्रेम जीवन में भी पार्टनर के साथ अहंकार को लेकर टकराव हो सकता है। इस समय अपनी वाणी पर संयम रखें, नहीं तो रिश्ता खराब हो सकता है। धनु लग्न। शुक्र आपके छठे भाव के साथ साथ ग्यारहवें भाव के स्वामी भी। शुक्र ग्रह का गोचर आपके लग्न से सप्तम भाव में हो रहा है। इस भाव में शुक्र के गोचर से आपके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। घर के किसी सदस्य से यदि अनबन चल रही थी तो वो दूर हो सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहीं सामाजिक स्तर पर भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। हालांकि जीवन साथी के हेल्थ को लेकर आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उन्हें व्यापार में फायदा मिलने की पूरी संभावना है। जो लोग अब तक सिंगल हैं उन्हें इंटरनेट या दोस्तों के जरिए अपना संगी मिल सकता है। मकर लग्न। शुक्र आपके पंचम भाव के साथ साथ दसम भाव के स्वामी भी है और आपके लग्न से छठे भाव में शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय पारिवारिक जीवन में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर घर के लोगों से मनमुटाव हो सकता है। ऐसे समय में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और कम से कम बोलना होगा। जितना आप चुप रहेंगे उतनी परेशानियां कम हो जाएंगी। नौकरी पेशा और व्यवसायी लोगों को भी संभल कर रहना होगा। धोखा मिलने की संभावना है। महिला सहकर्मियों से
सोच समझकर बात करें, नहीं तो मान सम्मान की हानि हो सकती है। आपके विरोधी भी इस दौरान सक्रिय रहेंगे और उनके द्वारा आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। कुंभ लग्न शुक्र ग्रह आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी है और शुक्र आपके लग्न से पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है। इस भाव में शुक्र के गोचर से आपको इस अवधि में अच्छे फल मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। आप घर के लोगों के साथ भविष्य को लेकर कोई नई योजना बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी यह समय अनुकूल है। आपके बच्चे कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से भी आप फायदे की स्थिति में रहेंगे। मीन लग्न आपकी लग्न राशि के लिए शुक्र ग्रह तीसरे और आठवें भाव का स्वामी है और अपने इस गोचर काल में वह आपके लग्न से चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति होगी और यदि उनके साथ किसी तरह का मनमुटाव था तो वह भी दूर हो सकता है। इस समय आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे लेकिन माता का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। ऑफिस में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसे समय में आपको जल्दबाजी में जॉब छोड़ने का फैसला नहीं करना चाहिए। प्रेम से जुड़े मामलों में भी आपको दिक्कतें आएंगी। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।